गांधी जी का जातीय एकता में दृढ़ विश्वास था और उसकी स्थापना उनके जीवन की एक साधना थी। 14 जनवरी 1948 की प्रार्थना सभा में उन्होंने कहा था कि जिस दिन हम अपने क्षणिक पागलपन को भुला देंगे, उस दिन हम उनकी कल्पना का स्वर्ग इस देश में स्थापित कर सकेंगे और उनका हृदय खुशी से नाच उठेगा। कवि ने कहा है, और मैंने तो कहीं यहाँ पढ़ा, उसने कहा है कि अगर आपको जन्नत देखना है तो जन्नत कोई बाहर नहीं जा है, वो तो एक बगीचा के लिए कहा है। वो तो उस्ताद लेते हैं ना लिखने वाले, तो वो तो लिखा है तो वो उर्दू में, लेकिन मैंने वो पढ़ा, वो भी बहुत वर्षों को पहले जब मैं छोटा था तब की बात है, लेकिन मैंने वो याद रखा कि क्या खूबसूरत चीज है, उसको मैं जन्नत नहीं मानता। जन्नत ऐसे आता नहीं है वो चीज़ है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसे शरीफ मुसलमान बन जाए, शरीफ हिंदू बन, शरीफ सिख बनो, सब और सब के सब भाई भाई बन जाए, तब तो मैं कहूँगा कि वही शेर तो है, वो शेर सब दरवाजे पर लगाया जाए तो पीछे वहीं नहीं लगेगा, यहाँ भी लगेगा। लेकिन वहाँ यहाँ कब लगेगा कि अगर पाकिस्तान के लोग सचमुच इस तरह से पाक बन जाए, दिल साफ हो जाए, दिल में एक और कहना दूसरा और करना तीसरा, वो तो नहीं है उसमें से, तो पाकिस्तान वो तो दोषक साल हो जाता है। लेकिन अगर वो बदल जाए और शक्ल बदले, तो वो तो अपना दिल को बिल्कुल साफ कर दिया हो, यहाँ शैतान नहीं देता है, खुदा बिराजता है, ऐसा कर ले तो कह सकते हैं कि जन्नत बाहर नहीं पड़ा है, जन्नत तो यहाँ है। अरे लोगों आइए, जन्नत में रहना है, जन्नत में देखना है कि इस दरवाजा में प्रवेश करो, ऐसे ही पीछे तो उससे हम मुकाबला करेंगे और हम उससे बढ़ने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि यहाँ भी पाकिस्तान में तो है, ऐसे ही हम हैं, पाकिस्तान में हमारे भाई हैं, हम इनके भाई हैं, वो हमारे भाई हैं, हम सब दोनों हिंदुस्तान के टुकड़े तो हैं, रहे चाहे पूछे रहा तो क्या, न रहा तो क्या, हमारा दिल एक हो गया तो भूगोल में टुकड़े रहे तो उससे क्या बना, दोनों हुकूमत अलग अलग कही जाए तो भी क्या हुआ, सारी हिंदू दुनिया की हुकूमत एक तो नहीं होगी, अलग अलग रहे लेकिन दिल एक मिल गया हमारा तो पीछे हुकूमत 50 रहे 500 रहे उससे मुझको क्या आपको क्या बने। मैं तो कहता हूँ ना कि 60,000 हिंदुस्तान के देहात हैं तो उस 60,000 देहात से वो हुकूमत बनी है, समझो उसमें कोई दिक्कत आपको ना आ सकती है, मुझको बड़ा अच्छा है, उनका व्यवहार भी बहुत छोटा हो जाएगा, अच्छा होगा, सरल होगा और तब पीछे वो देहातों का काम तो ये देने पड़ी है उसके हाथ में छोड़ सकते हैं आप आराम से, ऐसी वो खूबसूरत चीज है। तो मुझको तो खेते के लिए भी घोंस में पी लेता है, और कोई तो कहे कि तो पीछा बेवकूफ आदमी है कि एक छोटा सा फाका करता है और उसमें से ऐसी चीज का कि वो आशा रखता है, लेकिन मैं क्या करूं, बना हूं इसे, और वो बचपन से छोटा था जब मुझको पता भी नहीं था कि अखबार क्या चीज है, पढ़ता नहीं था, ये बात आप समझे कि मैं सच्ची कहता हूँ आपको, कोई बनाई हुई बात नहीं कहता हूँ, मैं अखबारों को भी पढ़ना जाता ही नहीं था, पढ़ता नहीं था, अंग्रेजी मुझको कहाँ इतना आता था, अंग्रेजी बड़ी मुसीबत से थोड़ा पढ़ता था और ऐसा गुजराती भद्दा जान लेता था, वो आदमी अखबार पढ़ना कैसे जान सकेगा, उसमें लिखा है क्या, कैसे पढ़ेगा, ऐसा अनजान आदमी। तब से मेरा ख्वाब रहा है कि हिंदुस्तान सब में, राजकोट में नहीं, काठियावाड़ में नहीं, सारा हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी सिख सब एक बनकर रहें, और एक बनकर रहें तो पीछे हम तो यहाँ बड़े आराम से रह सकते हैं, ये मेरा ख्वाब। तो अगर लोग मुझको सुनाते हैं, सब जगह से तार लेते हैं, तो पीछे मैं भी मूर्ख आदमी तो हूँ, तो इसलिए मान लेता हूँ कि शायद वो ख्वाब स्वराज तो आया, वो तो निकम्मा है, उसको मैं स्वराज मानता भी नहीं, लेकिन इसी जन्म ने जो उस वक्त एक जवानी है और जवानी भी शुरू होती थी, उसमें ये ख्वाब मैंने देखा, और वो ख्वाब क्या आज सच्चा होता है, तो मैं आपको कहता हूँ कि एक मैं तो बुरा हो गया ना, मरने के किनारे पर बैठा, लेकिन मेरा दिल नाचेगा, और एक छोटा ये ना लड़के लड़के है ना, इस तरह से ये बुरा नाचेगा। अच्छा हिंदुस्तान में तो सब खेल हो रहा है, हिंदू मुसलमान कोई आपस आपस लड़ते भिड़ते नहीं है और इस तरह से रहते हैं। हाँ आप लोग सब मदद करें और पाकिस्तान के लोग वो सब सुने, मेरी आह क्या सुनना था, लेकिन ईश्वर मेरे पास से बुलाता है कि बात तो सच्ची, वो कहता है बुरा मूर्ख है उससे क्या हुआ, तो उसकी बात है ऐसा करो, मुसलमान मान लो
हिंदू मान लो, सिख मान लो, पारसी मान लो, ईसाई मान लो, सब भूल जाए कि कभी हम दुश्मन थे, कभी हम अलग अलग थे। हम सबका धर्म है, अपने अपने धर्म में वो कायम रहे, अच्छे बने, तो सब धर्म एक साथ चलते हैं। एक ऐसे कोई देखेगा नहीं कि वो मुसलमान है कि पारसी है, शरीफ आदमी है, ऐसा कहा जाएगा। इस तरह से दोनों हिंदुस्तान बन जाए तो मैं तो नाचूंगा, लेकिन आपको भी नाचना ही पड़ेगा। और आप नाचेंगे, नचाएगा क्या? वो तो जो वो तो सच्चाई नशा है कि जब वो ईश्वर हमको वो नशा पैदा देगा। और ऐसी दुनिया ना बन रही है कि जिसमें किसी को कुछ डर ही नहीं रहता है, कहीं भी एक डर रहता है। और कोई पूछे कि आप लोग किससे डरते हैं, तो कहें कि हम तो किसी से नहीं डरते हैं, एक ईश्वर पड़ा है, वहां पड़ा है और हमारे दिल में पड़ा है, हृदय आकाश में पड़ा है और इस आकाश में पड़ा है, उस ईश्वर से हम डरते हैं, दूसरे किसी से नहीं डरते हैं। अरे लेकिन ये पार जैसा पठान है, सिख है, उससे नहीं डरते हैं, मैं तो डर जाता हूँ। तो कहें कि तुम तो ईश्वर से नहीं डरते हैं, मैं तो ईश्वर से डरता हूँ। लड़के लड़कियां अगर डरते हैं ईश्वर से, दूसरे को तो कह सकते हैं। ऐसा मैं तो हिंदुस्तान को देखना चाहता हूँ।